नमस्कार, हम खड़े हैं सतना के सिविल लाइंस में और ये नज़ारा है एसपी बंगले के सामने का। ये जो आप पीछे एक छोटा सा जंगल देख रहे हैं जिसको हम दिखा रहे हैं आपको एल शेप में, देखिए काफ़ी घना सा जंगल बना हुआ है जो कि एल शेप में है और आगे तक गया हुआ है लगभग 120-130 स्क्वायर फीट पर ये जंगल डेवलप है। इस जंगल को मियावाकी टेक्निक कहते हैं। मियावाकी पद्धति से ये डेवलप किया गया था। आज से लगभग 2 साल पहले मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग सतना में किया गया था, जिसके कर्ता धर्ता मुंबई के पर्यावरणविद प्रदीप त्रिपाठी थे, जो नेचर मेंटर और ग्रीन यात्रा जैसे बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा कई राज्यों में मियावाकी टेक्निक से जंगल डेवलप किए गए हैं। तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर संदीप राजप्पा ने उनके प्रस्ताव पर एक प्रयोग किया और महज 10 घंटे में ये जंगल डेवलप किया गया था। तब नगर निगम के कमिश्नर संदीप राजप्पा ने बहुत तेज़ी से काम किया था और यह कहा था कि प्रयोग के तौर पर हम सतना में इसे देखेंगे और आगे जाके स्मार्ट सिटी पर इसे लागू करेंगे। तो देखिए 2 साल बाद ये सर्वाइवर रेट है, ये जंगल डेवलप हो चुका है और इसी दौरान जब इस बात की आस बंधी कि अब सतना में अगर ये प्रयोग सफल होता है तो और जगहों पर इसे लागू किया जाएगा, लेकिन उसके बाद तत्कालीन कमिश्नर संदीप राजप्पा का ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद के अधिकारियों ने और यहाँ के नगर निगम कर्मचारियों ने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। यहाँ के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि किसी प्रकार से भी बहुत तौर तरीके और रख रखाव जो कि पर्यावरणविद प्रदीप त्रिपाठी ने बताए थे वो नहीं किया गया। आज भी यहाँ जानवर घुस जाते हैं और शुरू में ही सही तरीके से पानी और उनकी व्यवस्था नहीं की गई। यदि की जाती तो सर्वाइवर रेट 90% से ऊपर आता। हालांकि गैर व्यवस्था के चलते भी आज भी सर्वाइवल रेट 70-80% गया है। 80% पौधे आज खड़े हो गए हैं और छोटा सा जंगल आपको दिख रहा है। हम बता दें मियावाकी एक जापानी तकनीक है और इसके तहत शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए जंगली पौधे लगाए जाते हैं और कम एरिया पर एक जंगल डेवलप किया जाता है। ऐसा ही ये प्रयोग सतना में हुआ था और देखिए आप, एक छोटा सा जंगल डेवलप है, एल शेप में डेवलप है, लेकिन अगर नगर निगम सही तरीके से ध्यान देता, यहाँ प्रॉपर रख रखाव करता तो ये जंगल और घना हो सकता था। लेकिन अव्यवस्था के चलने के बाद भी ये डेवलप हुआ और जब हमारी बात प्रदीप त्रिपाठी से हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कहीं कुछ कमी होगी क्योंकि 90% के ऊपर वो गारंटी देते हैं और जब हमने मौके पर देखा तो कमियाँ थीं, ना प्रॉपर पानी की व्यवस्था की गई, ना प्रॉपर तरीके से जाली की व्यवस्था की गई, अगर देखा जाता तो और भी घना होता। नगर निगम सतना ने भी 50 वर्ग मीटर पर एक डेवलप करने की योजना बनाई थी और डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी के बताए अनुसार नगर निगम ने भी यहाँ पर लगभग एक छोटा सा 50 वर्ग मीटर स्क्वायर फीट में जंगल, हम सामने दिखा रहे हैं ये जो जहाँ से छोटे पौधे चालू होते हैं वहाँ पर, तो देखिए उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन सर्वाइवल रेट 30-40% के बीच ही रहा और पौधे भी
और पौधे भी सही तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। मेरे दो साल बाद भी जो नगर निगम ने डेवलप कराया था अपने स्तर पर, उस समय आरपी सिंह परमार इसके प्रभारी थे, वो आप देख सकते हैं कि वो पौधे दो साल बाद भी घनत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, घने नहीं हुए हैं और सर्वाइवल रेट भी 30-40% के बीच ही कहा जा सकता है, हालांकि उससे भी कम है, क्योंकि उन्होंने 100 पौधे लगाए थे तो महज 30 पौधे ही दिख रहे हैं, वो भी बहुत छोटे हैं। तो इनकी जो इन्होंने जो प्रयोग किया वो भी सही तरीके से नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे हम दिखा दें, ये जंगल जो बड़े पेड़ों के साथ डेवलप हो गया है, जिसको प्रदीप त्रिपाठी ने और संदीप राजप्पा ने खुद अपने सामने पूरा काम करा के डेवलप कराया था, तो देखिए ये एक अच्छा जंगल नज़र आ रहा है बहुत कम एरिया में, और रख रखाव की कमी के चलते भी सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा आया है। तो निश्चित रूप से ये एक बात सामने ज़रूर आ गई है कि यदि यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वन विभाग शहरी क्षेत्रों में ऐसे छोटे स्थानों पर ऐसे जंगलों का प्रयोग कर सकते हैं और सतना का ये प्रयोग निश्चित रूप से सफल हुआ है। इस प्रकार से शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, यदि मियावाकी पद्धति से छोटे प्लॉट पर ऐसे घने जंगल लगाए जाएंगे तो एक बड़ी समस्या से, प्रदूषण की समस्या से निजात भी मिलेगी। हालांकि इस संबंध में प्रदीप त्रिपाठी ने कहा है कि वो अपनी कंसल्टेंसी देने को तैयार हैं, जो लोग इच्छुक हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो ऐसे जंगल डेवलप कराने के लिए मदद करने को तैयार हैं। इस जंगल को उस समय सतना नगर निगम और नेचर मेंटर ग्रीन यात्रा सहित सतना की स्वयंसेवी संस्था नक्षत्र एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से डेवलप किया गया था और महज 10 घंटे में ये पूरा जंगल बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि सतना का ये प्रयोग निश्चित रूप से सफल हुआ है। कुछ कमियां रहीं उसके पीछे, क्योंकि नगर निगम सतना को इसकी व्यवस्था का दायित्व तो सौंपा गया था, लेकिन संदीप राजप्पा के जाने के बाद ध्यान नहीं दिया गया और स्थिति ये हुई कि कुछ कमियां रह गईं, लेकिन फिर भी एवरेज सर्वाइवल रेट 75% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि रख रखाव किया जाता ठीक ढंग से तो ये सर्वाइवल रेट 95% के ऊपर आता, 95% के ऊपर आता। तो आपने देखा एक छोटे से एरिया में मियावाकी टेक्निक से किस प्रकार से पूरा जंगल डेवलप है। तो आप निश्चित रूप से, अब पर्यावरण को बचाना है तो ऐसे मियावाकी टेक्निक से हम जंगलों को बना सकते हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। इस तरह के जंगल डेवलप करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। उड़ने की कोशिश हो अगर बन जाए हवाएं, हम सफर। मेरा नाम प्रदीप त्रिपाठी है और मैं ग्रीन यात्रा एनजीओ का फाउंडर हूँ। हम लोग शहरों के अंदर अल्ट्रा फास्ट ग्रोइंग, कम जगह और कम टाइम में फॉरेस्ट बनाते हैं, जिसमें 100 साल का जंगल हम 10 साल में क्रिएट करते हैं। हम लोग वाटर बॉडी रिजुवेनेशन का काम करते हैं, जैसे तालाब हो गया, लेक्स हो गए, तो उनको रिवाइव करना और नए वाटर बॉडी बनाना। तीसरा हमारा काम है, हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, स्कूल, कॉलेज, हाउसिंग सोसाइटी। तो हम लोगों को ग्रीन लाइफ स्टाइल, डे टू डे लाइफ में कैसे कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करें, इन फील्ड पे काम करते हैं। ग्रीन यात्रा की शुरुआत लगभग 2008-09 में मैं और मेरे मित्र दुर्गेश ने शुरू करी और हम लोग लोकल लेवल पे काम करते थे और हमें लगा कि यदि हमें अपने एरियाज पे अपने काम को दूर तक ले जाना है या और जगहों पे तो कैसे करें। तो उसी समय नया नया फेसबुक पॉपुलर हो रहा था, शुरू हुआ था इंडिया में, हमने अपना फेसबुक पेज बनाया। आज हम पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोबल लेवल से हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है। तो आई थिंक फेसबुक का एक बहुत बड़ा योगदान था हमें लोकल से ग्लोबल बनाने में। दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कई जगह पे प्रोजेक्ट किए हैं। रिसेंट प्रोजेक्ट में बात करूं तो मुंबई रीजन का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट जो लगभग 40,000 पेड़ का है, हमने नवी मुंबई में क्रिएट किया है।
दिल्ली NCR में हमने 2 फॉरेस्ट क्रिएट किए हैं, और अब अभी तक का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बेंगलुरु में है वो 28 एकड़ का हम एक लेक रिवाइव कर रहे हैं। हमारी फिलॉसफी सिंपल सी है कि बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देन द प्रॉब्लम। जहाँ जहाँ पे भी मौका मिले तो कलेक्टिव तरीके से हम चेंज ला सकते हैं। जैसे मैं शेयर करना चाहूंगा अपने बारे में कि मेरे घर अभी बेटी पैदा हुई है और मैंने डिसाइड किया है कि उसके हर बर्थडे एक अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करूंगा। एंड आई एम श्योर कि हम 1.3 बिलियन पीपल जब ये सब सारी चीजें करेंगे हम एक मेजर चेंज ला सकते हैं एनवायरमेंट फील्ड। फेसबुक के साथ दिल खोल के देखो, दुनिया तुम्हारे साथ है।